के दिन तो मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा प्रतिदिन शाम के समय पर तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे पात्र के पीछे पीछे तू जाना, और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो गुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे, वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ती जाए। जिसका खुद का मकान नहीं हो, खुद का मकान नहीं हो, किराए के मकान में रहते रहते जिंदगी बीत रही है, खुद का नहीं, और बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन, बहुत अपना खुद का कोई मकान नहीं, मान लो फ्लैट है पर मकान बन नहीं रहा, या कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं बन रही, तो हम इस प्यास पीठ से कहना चाहेंगे कि एक प्रयोग अवश्य करिएगा, एक प्रयोग अवश्य। अपने आसपास के पांच छह बेलपत्र के वृक्ष देख लीजिए, अपने आसपास के नजदीक के पांच छह बेलपत्र के बड़े बड़े वृक्ष देख लो, या छोटे वृक्ष देख लो, उन पांच छह वृक्ष को धीरे धीरे उनकी सेवा करना प्रारंभ करो, उन वृक्षों को बड़ा करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को जल देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को खाद देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष की सेवा संभाल करना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे बुआरी काटना प्रारंभ कर दो, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ कर दो, उस बेलपत्री के पांच छह सात वृक्ष को आप गोद ले लो। गोद लेना मतलब मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं इसमें जल दूंगा, मैं इसकी खाद दूंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा, कुछ मत करो, बस केवल इस शरीर से उस बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करना रोज प्रारंभ कर दो। छह महीना इंतजार करना और छह महीना लगातार सेवा करना, सातवां महीना आपका और हमारा, और बताना कि भोलेनाथ ने प्रॉपर्टी दिलाई कि नहीं दिलाई और आगे बढ़ाया। एक बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे माता लक्ष्मी विराजमान होती है, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन कौन सा है, बोलो जम के जल्दी से, शुक्रवार। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार है, पर माता लक्ष्मी से पूछा जाए कि तुम्हारी माता ख्याति देवी नारायण भगवान के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर रही थी, शंकर को लक्ष्मी दे रही थी, तब तुमने भगवान शंकर से विनती करी, भोले बाबा मैं नारायण से प्रेम करती हूँ, भगवान नारायण से मेरा विवाह हो, तो माता ख्याति देवी से शंकर भगवान ने विनय कर कर कहा कि लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया जाए। भगवान नारायण के साथ जब लक्ष्मी जी का विवाह हो गया, तब लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर बोलती है, बाबा मेरा विवाह नारायण के साथ हो गया, पर मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ, बाबा आप कृपा करिए कि मैं क्या करूं आपके लिए। शंकर भगवान कहते हैं लक्ष्मी बस दो चीजें कर दे, एक सोमवार के दिन तू मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा प्रतिदिन शाम के समय पर तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे पात्र के पीछे पीछे तू जाना, और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो गुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे, वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए, उसके घर में वैभव बढ़ते जाए। ये शंकर भगवान माता लक्ष्मी से कर रहे हैं, भगवान माता लक्ष्मी से कर रहे। तो भस्म अगर शिव के मंदिर में भस्म मिल जाए,
शंकर पर चढ़ी हुई भस्म अगर मिल जाए तो, और अगर भस्म ना मिले ना तो शंकर के जो शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, शिवलिंग के आसपास में जो जलाधारी है, यहाँ अगर भस्म ना मिले तो इस जलाधारी पर अपना हाथ स्पर्श कर कर अपने तन पर उसको लगाकर जरूर भस्म। एक शंकर पर चढ़ा हुआ जल, दूसरे नंबर पर है शंकर पर चढ़ी हुई भस्म, ये दो स्पर्श जरूर। एक भस्म का एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है, दूसरा जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनो उसकी रज को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगाकर अवश्य जाओ तो जीवन का एक आनंद है। और शंकर के मंदिर में जाओ तो दो चीजें अवश्य लेकर आओ, पहला शंकर जी पे चढ़ा हुआ जम के बोलो जल अवश्य लेकर आओ, क्योंकि जब तुम जल लेकर आते हो, पात्र लेकर आते हो, तो मेरा महादेव लक्ष्मी जी को तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक भेज देगा। चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, लोग कहेंगे शंकर पर चढ़ा हुआ ये मत खाओ। हम इस व्यास पीठ से निवेदन करना चाहेंगे कि आप अगर दिल रखकर अपने बाबा से कहोगे ना, तो बाबा पर चढ़ा हुआ जो जल है ना, वो जल साधारण नहीं रहता। मेरा भोलेनाथ जब दुनिया को अमृत देता है तो तुमको भी अमृत दे देता है। दो चीजें कभी मत छोड़ो, अगर मंदिर में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो, कथा में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो, एक एक कथा श्रवण करना, दूसरा जहाँ कथा देख कर सुनते हैं वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाना। कथा सुनने के बाद आप यहाँ से जाओ, भले तरी बिछी है, आसन बिछा है, कारपेट बिछा है, उस पर अपना हाथ फेर कर उस रज को अपने मस्तक पर जरूर लगाओ, क्योंकि शिव पुराण में, भागवत पुराण में, स्कंद पुराण में, कूर्म पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में, जितनी भी पुराण है, सब पुराणों में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठ कर हम भगवान की कथा को सुनते हैं, उनको याद करते हैं, जितनी देर हम उनको याद करते हैं उतनी देर वो परमात्मा उस स्थान पर बैठा हुआ रहता है। हाथ रखकर बोलना, शंकर भगवान से तुम्हारा रिश्ता कौन सा है? शिव जी से आपका कौन सा रिश्ता? सीहोर उबरेश्वर धाम आपका मायका है, तो हम आपके भाई हैं, तो शंकर भगवान आपके पिता हैं, आपके बाप हैं, आपका बाबा है, आपका दादा है। अब आपसे हम प्रश्न करें, उत्तर मेरी कुरुत की बहनें भी देंगी और मेरे जीजा उन भी देंगे और मेरी बेटियां और मेरे बेटे देंगे। आपसे प्रश्न करें, अगर बेटी को दुख होगा तो क्या वो अपने बाप से नहीं कहेगी? बोलो तो जम के। बेटी को तकलीफ है वो अपने बाप से ना कहेगी, बेटे को तकलीफ है तो अपने पिता से, अपनी माँ से नहीं कहेगा, मम्मी मुझे ये तकलीफ है, पापा मुझे ये दुख है, माँ मुझे ये तकलीफ है, पिताजी मुझे ये कष्ट है, क्या वो अपने माँ बाप से नहीं कहेंगे? क्या वो अपने माँ बाप से विनय नहीं करेंगे? और माँ पिता फिर उसके करीब में, उसके नजदीक में जो भी होता है वो माँ बाप निकाल कर उसको दे देते हैं, माता पिता उसको दे देते हैं, माता पिता। लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कह देते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ। कोई इस बहन से पूछे, सुनीता सोनी से, कि शंकर पर चढ़े हुए जल से उसकी गांठ जो डबल से उसके शरीर में आ गई थी वो समाप्त हो गई, तो जरा विश्वास करिएगा कि एक बेटी अपने माँ बाप से ही तो कहेगी, और बाप के पास में जो होगा वही तो अपनी बेटी को देगा दुख को मिटाने के लिए। तो मेरे शंकर भगवान के पास तो उसका चढ़ा हुआ जल है। दूसरा, जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनो उसकी रज को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगाकर अवश्य जाओ, वो जीवन का एक आनंद है।
और शंकर के मंदिर में जाओ तो दो चीजें अवश्य लेकर आओ। पहला, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जम के बोलो जल अवश्य लेकर आओ, क्योंकि जब तुम जल लेकर आते हो, पात्र लेकर आते हो, तो मेरा महादेव लक्ष्मी जी को तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक भेज देगा। दो चीजें लेकर अवश्य आओ, और शिव पुराण में जाओ तो दो चीजें लेकर अवश्य जाओ। पहले नंबर पर शंकर की कथा और अपने अंदर विश्वास कि मेरे महादेव की मैंने कथा सुनी है, अब मैं भटकूंगी नहीं, सारी दुनिया में मैंने ठोकर खा ली, अब कहीं ठोकर नहीं खाऊंगी, अब तो दरवाजे पर महादेव के जाऊंगी, बाकी दूसरा, कथा में बैठी हूँ बाबा के इस रज को, ये रज नहीं है, ये धूल नहीं है, ये मेरे बाबा के कैलाश 12 ज्योतिर्लिंग का चंदन है, इसको मस्तक चढ़ाऊंगी अपने हृदय से। लाते हो आप लोग, हाथ उठाओ जरा, रख लो, बहुत बढ़िया, प्रणाम आप सभी को, नमन। दो बूंद जल लेकर आओ, नहीं पियो तो उस जल को अपने घर में छींक दो। नहीं पी सकते उस जल को छींक दो, सारे घर के लोग नहीं पी रहे, उस जल को मटके में डाल दो, हंडे में डाल दो, दो बूंद जल हंडे में डाला, सब पी गए, आपको अलग अलग किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को ठंडे में डाल दो, मटके में डाल दो, सब उस पानी को पीना।